बहुत समय पहले की बात है, एक बार एक गुरुजी गंगा किनारे स्थित किसी गांव में अपने शिष्यों के साथ स्नान कर रहे थे। तभी एक राहगीर आया और उनसे पूछा, महाराज इस गांव में लोग कैसे हैं? दरअसल मैं अपने मौजूदा निवास स्थान से कहीं और जाना चाहता हूँ। गुरुजी बोले, जहाँ तुम अभी रहते हो वहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं? मत पूछिए महाराज, वहाँ तो एक से एक कपटी, दुष्ट और बुरे लोग बसे हुए हैं, राहगीर बोला। गुरुजी बोले, इस गांव में भी बिल्कुल उसी तरह के लोग रहते हैं, कपटी, दुष्ट, बुरे। और इतना सुनकर राहगीर आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद एक दूसरा राहगीर वहां से गुजरा। उसने भी गुरुजी से वही प्रश्न पूछा, मुझे किसी नई जगह जाना है, क्या आप बता सकते हैं कि इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? गुरुजी ने फिर से वही सवाल किया कि जहाँ तुम अभी रहते हो वहाँ किस प्रकार के लोग हैं? वो व्यक्ति बोला, जी वहाँ तो बड़े सभ्य, सुलझे और अच्छे लोग रहते हैं। गुरुजी बोले, तुम्हें बिल्कुल उसी प्रकार के लोग यहाँ भी मिलेंगे, सभ्य, सुलझे और अच्छे। इसके बाद गुरुजी अपने दैनिक कार्यों में लग गए और उनके शिष्य ये सब देख रहे थे। और राहगीर के जाते ही उन्होंने पूछा, क्षमा कीजिएगा गुरुजी, आपने दोनों राहगीरों को एक ही स्थान के बारे में अलग अलग बात क्यों बताई? गुरुजी बड़ी गंभीरता से बोले, शिष्यों आमतौर पर हम चीज़ों को वैसे नहीं देखते जैसी वो हैं, बल्कि उन्हें हम ऐसे देखते हैं जैसे कि हम खुद हैं। हर जगह हर प्रकार के लोग होते हैं, यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के लोगों को देखना चाहते हैं। शिष्य उनकी बात समझ चुके थे और उन्होंने जीवन में सिर्फ अच्छाइयों पर ही ध्यान केंद्रित करने का निश्चय किया।